बेरोजगार भटकेंगे। 2015 से बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ग्लोबल मंथन में आपका स्वागत है। पैरा मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर्स, ब्लड बैंक, डायलिसिस इत्यादि में भर्ती नहीं मिल पाने से विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन। डायलिसिस, कैथ लैब सबकी वैकेंसी है, मतलब 2015 से स्टार्ट किया है इस कोर्स को, लेकिन अभी तक कोई कैडर नहीं बना है, कोई वैकेंसी नहीं आई है, सारे बच्चे ऐसे ही भटक रहे हैं। यही उम्मीद में इस पैरामेडिकल कोर्स में इसीलिए एडमिशन लेते हैं कि आसानी से जॉब लग जाए, लेकिन कोई कैडर नहीं बना, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी निकले, हम भी बेरोजगार रोजगार पाएं। प्राइवेट सर्कल्स में जॉब करने में 6-7 हज़ार से ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कमा सकते। हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे लिए सोचें और विज्ञप्ति जारी करें, हमारे लिए कैडर बनाएं। 2015 से हम ही सब संघर्षरत हैं। 2015 से RPMC का गठन हुआ है, तभी से लगातार कोर्सेज को चलाया गया है। हमारे सभी विद्यार्थी चिकित्सा विभाग में होते हुए भी 2015 से बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम सभी यही कोशिश करते हैं, यही अपील करते हैं, बार बार CM साहब को ज्ञापन देते हैं, MLA साहब को ज्ञापन देते हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही हैं, बार बार हमें झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। हम सभी इसी से बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, और हम सभी आज यहाँ जोधपुर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सभी और कुछ हमारे साथी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय पर अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, आने वाले इसी बजट सत्र में 2023 में अगर हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई और हमारे सेवा नियम नहीं बने, तो हम सभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे मर जाएंगे, लेकिन इस बार हम रोजगार पाके रहेंगे। बार बार हमारे ऊपर ये दिलासे, ये झूठी मंजूरियाँ हमें कबूल नहीं, हमारी सरकार मांगे सुने, नहीं तो हम बेरोजगारी नहीं रहेंगे। और आने वाले समय पर हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे और चाहे मर जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।